तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक घटना चक्रवात शीतलहर जो आई हुई है, दृष्टि निकालता है। और यूपीपीसीएस के टाइम आप लोग देखते होंगे कि बुक्स आती है हमेशा। और वैसे एक बुक सभी एग्जामों के लिए आपकी जरूरी है, फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हों, वो सभी के लिए। तो इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर चुके हैं। इसमें आप लोगों ने देखा है कि पहले हम लोगों ने आपका राष्ट्रीय परिदृश्य देखा, फिर आपने देखा है कि विधिक परिदृश्य भी देख लिया है, फिर आपने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी देखा है, आर्थिक परिदृश्य देखा है। अब हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने पहली क्लास में आपका अद्यतन खगोलीय गतिविधियां जो भी 2019-20 में हुई है, उन सभी को देखा है। और अब बात करते हैं हम लोग अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, एक एक टॉपिक लिया जा रहा है और आप समझिए कि इन्हें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट में क्या करूंगा कि पूरे सभी आपकी क्लासों को मर्ज कर दूंगा, जोड़ दूंगा, ठीक है? तो अभी आप लोग छोटी छोटी क्लासों में इन्हें पढ़ते रहिए, क्योंकि आप देखते हैं पेपर पास में है तो खत्म करना इसे बहुत जल्दी है। अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी, भारत ईयर फाइबर। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में भारत ईयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया। किसका? भारत एयर सेवाओं का उद्घाटन। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराना। आपसे पूछे अगर कि भारत एयर फाइबर किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए डिजिटल इंडिया पहलों के हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराना। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हर जगह डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है? भारत एयर फाइबर नेटवर्क पारंपरिक फाइबर केबल कनेक्शन से भिन्न है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग कर बेतार तकनीक से उच्च गति की इंटरनेट सेवा और वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसमें निकटतम एक्सचेंज से 5 किलोमीटर के दायरे में 100 MB/s तक की बेतार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध है। अब तक भारत एयर फाइबर को तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र आदि राज्यों में लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है? फिर आपने देखा होगा कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के बारे में सुना होगा। 22 जुलाई 2020 को गुजरात स्थित काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र तीसरी इकाई ने क्रांतिकता प्राप्त की है। एक बात याद रखिए, पूछ लेता है काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है, तो गुजरात में। नियंत्रित रूप से नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की प्रक्रिया ही क्रांतिकता है। KAPP3 अपनी तरह की प्रथम स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दावित भारी जल रिएक्टर है। इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक। इसे भारतीय वैज्ञानिक एवं अभियंताओं द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है, यानी कि हमारी स्वदेशी है तकनीकी। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 एक दावित भारी जल रिएक्टर है। क्या है? दावित भारी जल रिएक्टर है। KAPP3 भारत का 23वां 23वां ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है? अभी तक भारत का PHWR यानी कहने का मतलब है कि दावित भारी जल रिएक्टर आधारित सबसे बड़ा रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई 3 और 4 की प्रत्येक की क्षमता आपकी 540 मेगावाट है। कितनी? 540 मेगावाट है प्रत्येक की, ठीक है? किंतु आप KAPP3 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा दाबित भारी जल रिएक्टर बन गया है। तो अब की बात करें, अभी तो भारत का सबसे बड़ा दाबित भार जल रिएक्टर आपका KAPP3 है, ठीक है? क्योंकि ये आपका 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। याद रहे कि गुजरात के सूरत जिले में स्थित काकरापात परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 220 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई का व्यावसायिक परिचालन 6 मई 1993 को हुआ था। आप समझ रहे हैं, पहली इकाई इसकी 6 मई 1993 में शुरू हो गई थी, जबकि 220 मेगावाट की दूसरे PHWR श्रेणी की रिएक्टर को 1 सितंबर 1995 में मतलब शुरू कर दिया था। भारत में परमाणु ऊर्जा की वर्तमान संस्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है, जो KAP3 के चालू होने के बाद 7480 मेगावाट हो जाएगी। एक आपने सुना होगा रीवा अल्टा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, एक काफी चर्चा में भी रही है। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्टा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह सौर परियोजना आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश राज्य की जो रीवा जिले की गुड़ तहसील है ना, इसी में देखने को मिलेगी। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ से हों भी। इस सौर पार्क की कार्यान्वयन एजेंसी रीवा अल्टा मेगा सोलर लिमिटेड है, ठीक है। इसका कौन सी एजेंसी इसका कार्यान्वयन करेगी, तो रीवा अल्टा मेगा सोलर लिमिटेड। रीवा अल्टा मेगा सोलर लिमिटेड और मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड और भारतीय ऊर्जा सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि तीनों ये मिलकर काम कर रहे हैं। इस सौर पार्क की कुल विद्युत क्षमता की बात करें तो 750 मेगावाट की है। कितनी? 750 मेगावाट की। यह सौर पार्क लगभग 1590, आप समझ रहे हैं, 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह सौर पार्क 3 इकाइयों में विभक्त है और प्रत्येक स्थापित इकाई की क्षमता आप देखेंगे 250 मेगावाट है और प्रत्येक इकाई लगभग 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इस सौर पार्क से उत्पादित 24% बिजली दिल्ली मेट्रो रेल निगम को प्रदान की जाएगी। ये भी पूछ सकता है कि 24% कौन? दिल्ली मेट्रो रेल को निगम को प्रदान की जाएगी, जबकि शेष आप देखेंगे 76% बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश की राज्य बिजली वितरण कंपनियों की जाएगी। यह पहली ऐसी अक्षय ऊर्जा परियोजना है जिससे राज्य के बाहर किसी संस्थानिक ग्राहक यानी कि दिल्ली मेट्रो को बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस सौर पार्क के माध्यम से प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। कितना? आप समझ सकते हैं 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा होती है। इतना ही अगर बिजली उत्पन्न करने के लिए हम लोग कोयले का उत्पादन करते, कोयले से बिजली उत्पन्न करते, तो हो सकता था कि 15 लाख टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की परियोजनाओं पर नवीकरणीय ऊर्जाओं पर ध्यान भी दिया जा रहा है, जल ऊर्जा हो चाहे आपकी सौर ऊर्जा हो, ठीक है। इससे वो परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा सस्ती दरों पर बिना राज्य सरकार की गारंटी के स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष के तहत ऋण प्रदान किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें मदद किसने की, ऋण किसने दिया, तो विश्व बैंक ने। ये आप विश्व बैंक क्या है, WHO क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन डले हुए हैं। अगर फिर भी कोई छूटा है तो आप लोग बताइए, उसे भी कवर करवा दूंगा। नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए इस परियोजना को विश्व बैंक समूह का प्रेसिडेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। याद रखिए विश्व बैंक का समूह का जो प्रेसिडेंट अवार्ड है इसे भी इसे ही प्राप्त हुआ है, मिला है। वर्तमान में पिछले लगभग 4.50 रुपए प्रति यूनिट की सौर ऊर्जा दरों की तुलना में इस परियोजना से मात्र 2.97 रुपए यूनिट की दर से सस्ती बिजली प्राप्त हो सकेगी। अभी जो आपकी 4.50 रुपए प्रति यूनिट मिलती है इसकी सहायता से आप लोग इसे 2.97 रुपए प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली प्राप्त हो सकेगी इससे, ठीक है। यह सौर परियोजना ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली परियोजना है। एक बात और बताऊं आपको, इसमें देखिए शुरू में खर्च आता है, एक क्लियर है, लेकिन आगे इसमें ना के बराबर आप देखेंगे खर्च होता है। क्योंकि आप देखिए सोलर प्लेट आप घर में लगवा लीजिए तो शुरू में हो सकता है कि महंगी आए, लेकिन बाद में इसका रखरखाव कम ही आपको करना पड़ता है और लंबे समय तक चलती भी है, काफी लंबे समय तक। फिर आप देखेंगे डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज लॉकडाउन लगा हुआ है और आप देखते हैं स्कूल शिक्षा केंद्र सब कुछ बंद है कोरोना महामारी के कारण, तो डिजिटल शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा पर बात की जा रही है। ये अलग बात है कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षा लायक हमारे पास सुविधाएं नहीं है। अभी MP ने देखा हुआ आपने चालू किया तो 25 से 30% छात्री मतलब क्लासों में मतलब ऑनलाइन क्लास ले सके, बाकी आप समझ सकते हैं या तो सुविधाएं नहीं है या आप कह सकते हैं किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। तो एक बहुत बड़ी आबादी आप सोचिए छूटी हुई है इससे। तो 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सबसे पहले तो यही आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि प्रज्ञाता दिशा निर्देश किससे संबंधित है, ऑनलाइन शिक्षा यानी कि डिजिटल शिक्षा से। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा के लिए दिशा निर्देश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT द्वारा तैयार किया गया है। जो आप NCERT बुक्स पढ़ते हैं ना सुनते हैं वही। यह दिशा निर्देश सलाहकारी प्रकृति का है और राज्यों को इसमें संशोधन की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित 24 करोड़ स्कूल छात्रों के शिक्षण कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से जारी रखने में सहायता प्रदान करता है।
विज्ञाता दिशा निर्देश में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की 8 चरण निम्नलिखित हैं कौन से? पी प्लान, योजना, आर रिव्यू यानी कि समीक्षा, ए अरेंज यानी कि व्यवस्था, जी यानी कि गाइड यानी कि मार्गदर्शन, बाई यानी कि या फिर टाल की यानी कि बातचीत, ए जी एन ए साइन नियुक्ति, और ये देखेंगे ट्रैक यानी कि ट्रैक, एप्रिसिएट यानी कि सराहना। ये 8 चरण के अनुसार डिजिटल शिक्षा के नियोजन और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, इन्हें भी याद रख सकते हैं। पर आप देखेंगे स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव, आईआईटी मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव का विकास किया है जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में देश के भीतर स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए किया जा सकता है। तो किसने ये बनाया है? आईआईटी मुंबई ने, ठीक है। नाविक समूह के उपग्रहों के अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद भी इस उपग्रह के सिग्नल को प्राप्त करने के लिए कोई व्यवसायिक रिसीवर चिप अभी तक उपलब्ध नहीं था। ध्रुव को भारत की नाविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह से भी संकेत प्राप्त होंगे ताकि सभी मौसमी परिस्थितियों में सटीकता एवं पूर्व परिशुद्धता के साथ कार्य को अंजाम दिया जा सके। यह बहु आवृत्ति बैंड से संकेत प्राप्त कर सकता है। ध्रुव व्यवधान डालने वाले सिग्नल को क्लीन करके कमजोर संकेतकों को भी प्राप्त कर सकता है। ध्रुव परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त यानी कि इसे पैसा दिया गया, ठीक है, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी समीर है, कौन सी है? समीर है। सिक्योरिटी एंड अफिलाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर है जिसका नाम है, तो नोडल एजेंसी को याद रखना। एलिमेंट्स ऐप 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपराष्ट्रपति आपके जो वेंकैया नायडू साहब हैं, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। इस ऐप का विकास किसने किया? बेंगलोर स्थित सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने, ठीक है। तो इसमें याद रखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप है एलिमेंट्स, और इसे विकास किसने किया? बेंगलोर स्थित सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने। एलिमेंट एक व्यापक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। यह ऐप 8 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, कितनी? 8। इस ऐप के द्वारा सुरक्षित भुगतान और इंडियन ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है। इस ऐप में उपयोगकर्ताओं के डेटा को भारत में ही संग्रहित किया जाएगा और डेटा की सुरक्षा के लिए एंड टू एंड इनक्रिप्शन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। याद रहे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी ऐप के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा भी की गई थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अपनी सब होना चाहिए, यूट्यूब भी हमारा होना चाहिए, विकिपीडिया भी हमारी होनी चाहिए चाइनीज की तरह। अभी आप देखते हैं कि डाटा हमारा क्या होता है, सिर्फ बाहरी देशों में से होता है, अब वो हमारे डाटा का किसी तरह से भी उपयोग कर सकते हैं। और आने वाला समय आप सभी जानते हैं कि डाटा का समय यानी कि एक तरह से तकनीक का समय है, आप समझ रहे हैं। एक्सीलरेट विज्ञान योजना, 1 जुलाई 2020 से देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा। यह योजना मुख्यतः विश्वविद्यालयों संस्थानों के ऐसे युवा अनुसंधानकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जिनकी प्रतिष्ठित शोध परिवेश तक पहुंच नहीं है और उन्हें अग्रणी संस्थानों, प्रयोगशालाओं, संगठनों में उच्च श्रेणी के अनुसंधान परिवेश में कार्य करने का अवसर भी प्रदान करती है। एक्सीलरेट विज्ञान योजना को मिशन मोड के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना को कार्यान्वित करने में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की सहायता के लिए सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों, विभागों और कुछ अन्य सदस्यों को मिलाकर एक अंतर मंत्रालयी निरीक्षण समिति यानी कि IMOC का गठन भी किया जाएगा। एक्सीलरेट विज्ञान योजना के 2 घटक हैं, कौन कौन से? पहला अभ्यास। यह एक्सीलरेट विज्ञान योजना का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो स्नातकोत्तर और PhD के छात्रों के उनके संबंधित विषयों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा, कौन सा? अभ्यास। और इसका दूसरा आप देखेंगे, दूसरा है आपका इस कार्यक्रम में 2 घटक कार्यशाला और वृत्तिका है। पहले ही में है आपका अभ्यास में कार्यशाला और वृत्तिका भी है। और दूसरा आप देखेंगे समूहन, समूहन कार्यक्रम 2 उपघटकों संयोजिका और संगोष्ठी में विभाजित है। संयोजिका की बात करें, देश में सभी सरकारी फंडिंग एजेंसियों द्वारा समर्पित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण गतिविधियों को सूचीबद्ध करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।
संगोष्ठी की बात करें तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित एक कार्यक्रम है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि फोगागु, फोगाकू विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर 22 जून 2020 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों को टॉप 500 की सूची जारी की गई। यह इस सूची का 55वां संस्करण है। किस नंबर का? ये 55वां आपका संस्करण है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इस नवीन सूची में जापान के सुपर कंप्यूटर फोगाकू को विश्व का द्रुततम यानी कि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। ये कहाँ का है? जापान का। लेन पैक बेंचमार्क इसकी अधिकतम संसाधन गति कितनी है? 415.53 पेटाफ्लॉप्स है। जून 2011 के बाद यह प्रथम अवसर है जब जापान के किसी सुपर कंप्यूटर ने टॉप 500 सूची में शीर्ष यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2011 में आपने देखा था कि जापान के कंप्यूटर को विश्व के सबसे तेज यानी कि द्रुतगत सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया था। आर्म प्रौद्योगिकी पर आधारित यह सुपर कंप्यूटर कोबे जापान स्थित राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस द्वारा स्थापित है। दूसरे स्थान पर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर समिट, इसकी संसाधन गति कितनी है? 148.6 पेटाफ्लॉप्स है। टॉप 500 की सूची में दो भारत के सुपर कंप्यूटरों को भी स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची के अनुसार भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित जो आपका पीतियुष है वर्तमान भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। ये भारत का सबसे मतलब तेज कंप्यूटर है एक तरह से। ठीक है, सुपर कंप्यूटर पीतियुष टू टॉप 500 सूची में इसे 66वां स्थान मिला है यानी कि 500 सूची में इसे 66वें स्थान पर रखा गया है। जबकि जो राष्ट्रीय अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित है मिहिर सुपर कंप्यूटर टॉप 500 की नवीनतम सूची में 119वां स्थान मिला है। याद रखिए जो आपका पीतियुष है इसे 66वां स्थान मिला है और जो आपका मिहिर है इसे 119वां स्थान मिला है। टॉप 500 की इस नवीनतम सूची में चीन के सर्वाधिक 226 सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 226 समझ रहे हैं चीन के सबसे ज्यादा। इसके बाद देखेंगे अमेरिका के 114, जापान के आप देखेंगे 30 और फ्रांस के 18 और जर्मनी के 16। हमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, हमारे केवल दो हैं। और आप सोचिए चीन के 226, आप समझ सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। फिर आपने देखा होगा कि आईकॉन सेट 2020 5 से 7 मार्च 2020 के मध्य कोलकाता पश्चिम बंगाल में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्या हुआ? इसका आयोजन कोलकाता में के एस एन बॉस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस द्वारा विश्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। तो इस संस्था को भी याद रखना और कहां किया गया है इसे भी याद रखिए। आईकॉन सेट भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित नैनोमेशन के तत्वाधान में भारत के द्विवार्षिक आधार पर आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की एक श्रृंखला है 2 साल में। ठीक है, इसका उद्देश्य नैनो विज्ञान में विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बनाकर ऊर्जा, कृषि, परिवहन और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में ज्ञान को एकीकृत करना है। सम्मेलन में 5M कितने? 5M, इनमें क्या है? यांत्रिक सामग्री, मशीनें, विनिर्माण और श्रम बल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रदान किया गया है। इन 5M को भी याद रखिए। ठीक है, सम्मेलन में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम यानी कि केरल के कुलपति प्रोफेसर साबू थॉमस को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रोफेसर साबू थॉमस हैं। फिर आपने सुना होगा एक विज्ञान ज्योति योजना के बारे में। तो 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति साहब ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए 3 नई परियोजनाओं की घोषणा की है। लैंगिक सुधार के लिए संस्थाओं का रूपांतरण, दूसरी है विज्ञान ज्योति योजना और तीसरी है महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित पोर्टल। विज्ञान ज्योति एक पहल है जो हाई स्कूल में अध्ययन कर रही मेधावी छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित जैसे विषयों को उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा में जारी रखने की का अवसर उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत 500 से अधिक जिलों में की चयनित छात्राओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NITS तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के अन्य प्रमुख संस्थानों में संचालित विज्ञान शिविर में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाएंगे जहां महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
इस योजनाओं के अंतर्गत 2020 से 2025 की अवधि के दौरान लगभग 550 जिलों की 100 छात्राओं का चयन किया जाएगा, यानी कि बच्चियों को या महिलाओं को आगे लाने का एक तरह से कार्यक्रम है। छात्राओं का चयन इस इनके हाई स्कूल के प्रति सत्तांक के आधार पर किया जाएगा। फिर आपने देखा है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई है, 107वीं, किस नंबर की? 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर कर्नाटक में किया गया है। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि 107वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है ये कहाँ हुई थी, तो यह है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ये है बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ? बेंगलोर कर्नाटक में। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय यानी कि थीम रही इसकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी थीम भी याद रखिए। 3 जनवरी 2020 को इस 5 दिवसीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया था। किसने? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया था इसका उद्घाटन। और इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता प्रोफेसर के एस रंगप्पा ने की थी, ठीक है, अध्यक्षता को भी याद रखिए। 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं यथा जर्मन भौतिक विज्ञान स्टीफन हेल और इजराइल की वैज्ञानिक एडा ई यूनत ने भी इस कांग्रेस में भाग लिया था, तो ये भी पूछ सकता है। तो दोनों नोबेल पुरस्कार के ना विजेताओं के नाम याद रखना है, एक आपका जर्मन का है, दूसरा इजराइल का है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पहली बार किसानों के नवाचार और उनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता के महत्व को रेखांकित करने के लिए किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 4 से 6 जनवरी 2020 के मध्य राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। 5 से 6 जनवरी 2020 के मध्य 9वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक भाग के रूप में किया गया है। और 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान विज्ञान संचारक सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। तो इन सभी सम्मेलनों को याद रखिए आप लोग, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को भी याद रखिए, ठीक है। फिर आपने देखा कि 107 के बाद ये हो गई आपकी, उसके बाद 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भी हुई है। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल में। और इस आयोजन का केंद्रीय विषय यानी कि थीम क्या रही थी? स्वच्छ हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। याद रहे कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी कि NCSTC का एक अग्रणी कार्यक्रम है। तो याद रखिए तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। इसका जो सब्जेक्ट है यानी कि विषय है, थीम है स्वच्छ हरित स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए क्लीन ग्रीन एंड हेल्थी नेशन। 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में होगा। तो 108वीं को आप भी पूछ सकता है कि कहाँ होगा, तो इसमें आपको याद रखना है कहाँ होगा, ये होगा आपका सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र में। और 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय भी तय हो चुका है, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की जाएगी, तो काफी है मुझे लगता है। हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन यानी कि SCFC 141B भारत में सबसे शक्तिशाली ओजोन औपचारिक रासायनिक पदार्थों से में से एक हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन 141B के प्रयोग को 1 जनवरी 2020 तक चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया है, तो इसे भी याद रखिए। और इसमें क्या पॉइंट है, 31 दिसंबर 2019 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2020 को हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन 141B के लिए आयात लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने हेतु एक अधिसूचना भी जारी की थी। यह रोक ओजोन औपचारी पदार्थ यानी कि विनियमन एवं नियंत्रण संशोधन नियम 2019 के तहत लगाई गई थी। साथ ही 1 जनवरी 2020 को फॉर्म विनिर्माण उद्योग, पता नहीं क्यों इसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप में शायद। चलिए फिर ऑल एडजस्ट करिए, ज़्यादा कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी।
बस इसके बाद आपकी करंट खत्म करने के बाद मैं दिखवा लूंगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी। अभी एडजस्ट करना है आपको किसी भी तरह से, क्योंकि बाद में अभी देखा मैंने कि रिकॉर्डिंग रुक चुकी थी पूरी, जो आपका वॉइस था मेरा ये बिल्कुल स्लो हो चुका था और वॉइस आगे बढ़ रहा था, कोई आगे कुछ नहीं लिख पा रहा था। तो खैर छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि साथी 1 जनवरी 2020 से फॉर्म विनिर्माण उद्योग द्वारा SCFC 141B का प्रयोग भी बंद कर दिया गया है। इस प्रकार भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अनुच्छेद 5 पक्षकारों में शामिल हो गए हैं, है, जिन्होंने अपने देश से फॉर्म क्षेत्र में SCFC 141B का प्रयोग चरणबद्ध रूप से पूर्णतः समाप्त कर दिया है। SCFC श्रेणी सेकेंड यानी कि क्लास सेकेंड के ओजोन क्षरण पदार्थ है, जिन्हें श्रेणी एक के ODS जैसे कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो गया, मैथिल क्लोरो फ्लोरो फॉर्म आदि के स्थानापन्न के रूप में विकसित किया गया है। व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरो क्लोरो कार्बनों में SCFC 22, SCFC 141B और SCFC 142B। SCFC 141B का प्रयोग उपयोग फॉर्म विनिर्माण या निर्माण अभिकर्ता और विलायक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरो क्लोरो कार्बन 141B मुख्य रूप से कठोर पॉलीयूरेथेन फॉर्म के उत्पादन में एक दमन कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोक्लोरो क्लोरो कार्बन 141B के रासायनिक उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक हाइड्रो क्लोरो क्लोरो कार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान भी अपनाया गया है। पर आपने देखा होगा कि एक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान भी चलाया गया है। तो 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की शुरुआत की गई। किसने? केंद्रीय संचार मंत्रालय ने। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का हिस्सा है। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि अब डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए कई तरह से इस तरह की योजनाएं भी ला जा रहे हैं कि हर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा हो, समझ रहे हैं? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के अंतर्गत देश के सभी गांवों को वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के द्वारा वर्ष 2022 तक ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्र समेत पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान के तहत 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाई जाएगी। 2024 तक टावर घनत्व को प्रति 1000 की आबादी पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 किया जाएगा और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना और अनुकूल नीतियों को मापने के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस सूचकांक भी जारी किया जाएगा। तो इस सूचकांक को भी याद रखिए। पूरे देश के लिए डिजिटल फाइबर मानचित्र भी तैयार किया जाएगा और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान से मोबाइल व इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता यानी कि इसकी स्थिति भी सुधरेगी काफी हद तक। फिर आपने एक नाम सुना होगा, पेगासस स्पाईवेयर। यह एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली कंपनी NS ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। स्पाईवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की मेमोरी स्टोरेज से डेटा निकालकर किसी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल को स्थानांतरित कर देते हैं। एक तरह से आप वायरस कह देते हैं ना, उसी तरह का एक तरह से सॉफ्टवेयर है। क्या करेगा, जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में आप किसी या तो जीमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा कहीं से आया, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपकी जो भी डेटा होगा उसमें जो भी आप काम करेंगे वो दूसरे तक पहुंचने में आसानी मतलब आसान सी पहुंच जाएगा। पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से जासूसी कार्यों में किया जाता है। अगर आपको किसी की जासूसी करना है तो इसका उपयोग करते हैं। इसे मात्र एक वेबलिंक या संदेश ऑडियो वीडियो द्वारा व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है और इसके द्वारा संबंधित मोबाइल फोन की सभी गतिविधियों को देखा जा सकता है। साथ ही मोबाइल के फीचर्स का उपयोग भी किया जा सकता है। भारत में भी पेगासस के द्वारा जासूसी की खबर सुर्खियों में रही है। याद रखिए कि मई 2019 में व्हाट्सएप की कॉल फंक्शन में एक बग का पता चला था जिसका प्रयोगकर्ताओं मोबाइल फोन में एक विद्वेषपूर्ण कोड को इंस्टॉल करने में प्रयोग किया गया था। 29 अक्टूबर 2019 को इसे विद्वेषपूर्ण कोड को पेगासस के रूप में पहचान की गई। फेसबुक ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में NSO ग्रुप के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसमें व्हाट्सएप ऐप सर्वरों का उपयोग कर अप्रैल 2019 से मई 2019 के मध्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में मोबाइल फोनों को संक्रमित भी किया था, नुकसान भी पहुंचाया था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, पता है मेरे एक मतलब मित्र थे तो उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, तो मैंने लैपटॉप में किया। पता है मेरा लैपटॉप पूरी तरह से, मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में ज्यादा,
लेकिन मेरी मेरा लैपटॉप जो भी था वो चला रहा था। मतलब ठीक है वो अलग बात है दो अपने काम के लिए, लेकिन आप सोचिए इस तरह से भी हो सकता है, आपके मोबाइल की भी इस तरह से हो सकती है कि आप कहीं भी बैठे हो कोई दूसरा भी उस फोन को चला सकता है, यूज कर सकता है। और आप समझिए कि आपका डाटा का मतलब सीधा सा डाटा आने वाली समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार डाटा क्या होता है, तो आप समझिए आपकी किसी से बातचीत हुई है, कई चैट किसी से आपने की है, आप देखते हैं या मोबाइल में कोई भी डाटा पड़ा हुआ है, कोई पिक्चर्स पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है आपका, किसी से जो भी चैटिंग हुई वो भी पड़ा हुआ है, तो आप सोचिए अगर किसी और के पास वो चैटिंग पहुंच जाए या आपकी बातचीत जो भी हुई है तो उसे भी पहुंच जाए तो क्या होगा। इस मामले में कई बार देखते हैं जान भी चली जाती है लोगों की, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है डेटा। व्हाट्सएप ऐप का स्वामित्व विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के पास है अभी। पर आप एक नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट सोली। गूगल में पिक्सल 4 स्मार्टफोन सीरीज में मोशन सेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का विकास प्रोजेक्ट सोली के तहत किया गया है। सोली गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजी एड एंड प्रोजेक्ट समूह द्वारा संचालित एक परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत पिक्सल 4 स्मार्टफोन में ईयर मोशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत छोटे एवं उच्च गति के सेंसरों के प्रयोग द्वारा अत्यंत मंद गति विधि को भी अत्यधिक शुद्धता से रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सोली प्रौद्योगिकी की मदद से प्रयोक्ता पूर्व निर्धारित पैटर्न में अपने अंगूठे या फिर अंगुलियों को आपस में रगड़ कर कंप्यूटर को निर्देश प्रेषित कर सकते हैं। सोली एक रडार चिप है जिसे गूगल की नई श्रृंखला के पिक्सल फोनों में लगाया गया है। इस प्रौद्योगिकी में एक विशेष रेडियो आवृत्ति का प्रयोग भी किया गया है और जिसकी भारत में निजी कंपनियों को प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इस कारण गूगल ने अपने पिक्सल 4 XL एवं पिक्सल 4 स्मार्टफोनों को भारत में लॉन्च ना करने की घोषणा की है। मोशन सेंस केवल उन्हीं देशों में काम करेगा जहां व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु इस आवृत्ति बैंड के उपयोग की अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सूची में अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अधिकांश यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत ने अभी इस तकनीक का अनुमोदन नहीं किया है। एक बात और आपको बता दूं यहाँ कि देखिए आने वाली तकनीक का समय है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप शिक्षा में तकनीक के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तभी आपको पिछड़ा हुआ या गरीब कह सकते हैं। आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस समूह से आते हैं, आपकी गांव में रहते हैं या किसी और ग्रामीण क्षेत्र में बुरी स्थिति में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ये मायने कभी नहीं रखेगा आने वाले समय में। आप देखिए आने वाले समय में आपको देखा जाएगा कि आपकी शिक्षा कितनी अच्छी है, आप कितने लिखे जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तकनीक से आपका जुड़ाव क्या है। एक समय आप भी तो देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, ट्रेन आ रही हो तो उसे झांक के देखते हैं और आप बैठ के मोबाइल से देख लेते हैं कहाँ ट्रैकिंग करके कहाँ आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था कि मैं कहीं जा रहा था तो किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि वहां लोग मतलब आप सोचिए बुंदेलखंड बघेलखंड के लोगों की ये हालत है। आप समझिए इतना भी पढ़े लिखे नहीं है वो लोग की, मतलब कई देखिए कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो कोई ट्रेन आई और उन्होंने सब उसमें घुस गए, मतलब चल चढ़ गए उस ट्रेन में। बाद में किसी ने बोला कि ये ट्रेन वो नहीं है जिसमें आपको जाना है, वो सभी उतर आए। मतलब आप सोचिए इतना जागरूक नहीं है। और आप मतलब वहां जाइए तो आप स्लीपर में अगर आपने रिजर्वेशन करवाया, आपने एसी में रिजर्वेशन करवाया, ये मायने नहीं रखता है, वो जाके बैठ जाएंगे और बाद में कहेंगे कि मैं मेरी सीट है। मतलब आप सोचिए खुद की पढ़ा लिखा, मुझे लगता है कि जागरूक देखिए बुंदेलखंड में लोगों को भटकाना बहुत आसान भी है। आप सोचिए कि दिल्ली की जनता को क्यों नहीं भटकाया जा सका, क्योंकि आपने देखा है गृह मंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, सभी राज्यों की बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, सभी ने प्रचार किया, फिर भी नरेंद्र मतलब केजरीवाल हारा नहीं है। कांग्रेस ने और बीजेपी ने सभी ने अपनी अपनी ताकत लगाई और देखते हैं आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल के साथी ने उन्हें हराने की कोशिश की, जैसे कुमार विश्वास। आप सोचिए अगर कहते रहे कितना भी, देखिए मैं किसी के पर्सनल उस पर वो नहीं कर रहा हूं लेकिन उसने काम किया अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए आपने देखा है कि जनता ने बराबर अच्छी तरह से जिताया है। वहीं बुंदेलखंड में आप देख लीजिए, एमपी को ले लीजिए, 15 साल बीजेपी रही, उसके बाद आपने देखा कांग्रेस आई और फिर बीजेपी आ गई, वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। वहां के जो भी आप देखिए, आप स्टूडेंटों की हालत देखिए कि आपके जो भी आप लोगों ने आंदोलन किया उस पर आपके डंडे बरसाए गए, एक तरफ मामा कहते हैं कि हमारे भांजे हैं, दूसरे तरफ बच्चियों पर लाठी बरसाना, मुझे लगता है ये रूप तो नहीं हो सकता है मामा का, तो एक अलग बात है कि मतलब लेकिन ठीक है ये हालत है। आप इसीलिए कहता हूं कि कम खाइए, मत पहनिए VIP कपड़े, अपने बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मैं ही एक ऐसे गांव को जानता हूं अभी कि वहां के लोग मतलब आप सोचिए फ्रॉड करते हैं,
एक दो बार तो मेरे पास सुबह फोन आ गया कि वो तुम्हें 1 करोड़ की ये लगी हुई है, लॉटरी लगी हुई है। मतलब आप सोचिए, हम लोग कम पढ़े लिखे होंगे तो हम आसानी से सांझे में भी आ जाते हैं, तो वो लोग इतने फंसा के मतलब वो कर लेते हैं। अभी किसी SP ने कुछ ही दिन पहले वहां छापा डाला, किसी लड़के को पकड़ा, तो उस लड़के ने बड़े मतलब आप सोचिए कि मतलब इतना मतलब एक तरह से घमंड टाइप का कि मैं मतलब आप सोचिए जितने बोले कि तुम्हारी जितनी साल में इनकम है उतनी मैं एक लोटा उठा के जंगल में निकल जाता हूँ तो कमा लाता हूँ। आप समझिए इतना घमंड है कि मतलब आप सोचिए कि इतना फ्रॉड करना सीखते हैं, एक अधिकारी से इस तरह बात करना, तो आप सोचिए कहीं से तो उनमें ताकत आ रही है। तो इसलिए पढ़िए, और कभी भी आपको अगर जानकारी बैंक से मांगी जाती है तो कभी भी आपका ATM कार्ड या पिन नहीं मांगा जाता है, ठीक है? इसलिए मत दिया करिएगा, इस तरह की फ्रॉड में मत फंसा करिएगा। कहाँ इस समय क्या लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है, समझ गए? तो पढ़िए लिखिए और थोड़ा अच्छे से जागरूक रहिए। चलिए, तो ये आपका दूसरा टॉपिक था विज्ञान में अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। अब तीसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां जो भी 19-20 में हुई हैं, ठीक है? बड़े अच्छे से याद रखिए, मुझे लगता है इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बार जाना कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी कुछ हुआ है, क्योंकि आपने देखा है कोरोना महामारी आई हुई थी, तो इस क्षेत्र में अच्छे से बात कर लेंगे।